शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए तीसरे दिन भी नालों की साफ सफाई का कार्य जारी रहा। शनिवार को नालों के आसपास पे रहने वाले लोग ने निगम प्रशासन से नालों के साफ सफाई के लिए इस अभियान को सराहनीय बताया। बताते चले कि बरसात के दिनों में नाले का पानी ओवरफ्लो हो जाता है और आसपास के मकानों में चला जाता है, जिसके वजह से सड़कों और मकानों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सड़कों पर जल जमाव के कारण विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बरसात के दिनों में इस तरह की समस्या आम हो जाती है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय निवासी प्रदीप गुप्ता, राममिलन गुप्ता, अंगद कुमार ने बताया। सबसे बड़ी दिक्कत निकल रहे हैं। नगर निगम द्वारा जो की जा रही है सर सफाई, उससे अच्छा सराहनीय काम है, परंतु इस नाले की सौंदर्यीकरण किया जाए और ऊंचाई किया जाए और नीचे से जो मिट्टी भरी हुई है उसको निकाल दिया जाए और सफाई नियंत्रण किया जाए, जिससे कि हम लोग को जल जमाव से बरसात में मुक्ति मिले। सफाई हो तो और बढ़िया रहेगा। पूरा नीचे कचरा जमा हुआ है, ईंट पत्थर सब फेंके हुए हैं, पूरा एकदम गंदगी एकदम हमेशा आती जाती है। इस रास्ते से आदमी रह नहीं पाते हैं, पूरा फटा हुआ नाला, एकदम पानी एकदम ऊपर आ गया है, करीब 4 फुट ऊपर इतना गंदगी नीचे पड़ा हुआ है। 2-3 साल से सफाई नहीं हो रही। अगर यहाँ पर कूड़ा निकलता है तो नगर निगम वाले लोग यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं हमेशा, और कहते हैं कि अभी हम उठवा लेंगे, अभी उठवा लेंगे, और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। फैलती है यहाँ पर, 2 बच्चे मर भी चुके हैं इस बीमारी से, मतलब यहाँ गंदगी लेकर के लोग यहीं पर निकाल कर छोड़ देते हैं, डायरिया यहाँ पर फैल जाते हैं, उसके बाद दवा बांटा जाता है, दवा बांटने के बाद अपने लोग चले जाते हैं। और क्या सब है सर, नगर निगम के नगरायुक्त के द्वारा अभी हम लोग 3 दिन पहले निरीक्षण किए, निरीक्षण के दौरान जो है ये गंदगी वगैरह थी, नगरायुक्त से उनकी शिकायत की गई और नगरायुक्त ने आश्वासन दिया, कहा कि अभी तुरंत काम करवा रहे। नगरायुक्त को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इस तरीके का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, और अगर ये परमानेंट इसी तरह होता रहा तो यहाँ गंदगी की स्थिति नहीं रहेगी। और मेरा उनसे एक निवेदन है कि ये नाले का जो सिल्ट है वो सिल्ट निकाल दिया जाए, और नाले का जो 2 फीट इसको
डिवाइडर है उसको ऊंचा कर दिया जाए, क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो ये 4-5 गलियां सटी हुई है और वो सटे होने के कारण रोड से वो जो है नाला एक बराबर हो जाता है, पता नहीं चलता है, कोई जानवर गिर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, बहुत दुर्घटना होती है, स्थानीय लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम नगर आयुक्त साहब को ये अवगत कराना चाहेंगे कि इसको जो है डिवाइडर भी थोड़ा इसके साथ ऊंचा हो जाए और सिल्ट इसका निकाल लिया जाए ताकि बरसात से इसकी निजात